विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 7वें अध्याय मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन की चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने मौसम और जलवायु के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने कुछ ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूलन की चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम कुछ और नया जानेंगे, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में देखे जाने वाले अनुकूलन की चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य के आसपास स्थिर होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस प्रदेश में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, अतः यहाँ पर जो सामान्य जलवायु है थोड़ी सी गर्म देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, सबसे सर्द महीनों में भी यहाँ पर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस जितना तापमान होता है और गर्मी में यह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग एक समान रहती है, यानी यहाँ पर दिवस और रात में काफी कम समय का अंतर देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक मुख्य विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जिनमें विविध प्रकार के जंतु देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, सतत गर्मी और बरसात के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। हम इन्हीं में से कुछ जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूलन की चर्चा करेंगे। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी यानी एप, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कुछ कीटक होते हैं। आइए अब हम इनके विषय में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्षावनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों में जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, परंतु अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण इनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। अपने आप के बचाव के लिए भी इन्हें अपने शरीर में परिवर्तन लाने पड़ते हैं। जंतुओं की जनसंख्या अधिक होने के कारण इनमें भोजन और आश्रय के लिए सतत संघर्ष अर्थात प्रतिस्पर्धा करते रहनी पड़ती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब हम कुछ ऐसे ही वृक्षों पर अनुकूलित जंतु जैसे कि मेंढक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर और तलवे चिपचिपे होते हैं, जिन्हें वे वृक्षों को पकड़ने के लिए उपयोग में लेते हैं। वे वृक्षों को चढ़ने में सहायक बनते हैं और पत्तियों पर ही और डालियों पर ही वे अपना जीवन यापन करते हैं। एक ऐसे ही बंदर की बात करते हैं। वृक्ष पर रहने में सहायता के लिए बंदरों के लिए एक लंबी पूंछ पाई जाती है, जो शाखाओं को पकड़ने में मदद करती है। आपने देखा होगा कि बंदर अपनी पूंछों की सहायता से टहनियों को पकड़ के रखते हैं। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं कि जिनसे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं, उन्हें पकड़ के रखते हैं। इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए सतत प्रतिस्पर्धा होती रहती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं, जहां अन्य जंतु सरलता से नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे ही कुछ जंतुओं के विषय में चर्चा करें तो हमारे दिमाग में एक पक्षी का नाम जरूर आता है, जिसका नाम है टुकेन। यह पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में भी लगे फलों तक पहुंच जाता है जो काफी कमजोर होती हैं, और सरलता से ये उन पर न चढ़कर भी उन फलों को तोड़ लेती है। ऐसी टहनियां इन पक्षियों का वजन नहीं सहन कर पाती, परंतु इनकी चोंच की सहायता से वे ऐसे टहनियों पर लगे फलों को भी तोड़ के खा लेती हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है, जो उन्हें अपने आसपास के क्षेत्र में मिलकर के एक छलावरण तैयार करने में मदद करती है, जिससे वे परभक्षियों से अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, बिलाव परिवार के जंतु शेर और चीता
इनमें मोटी खाल पाई जाती है तथा उनके सुनने की शक्ति भी अत्यंत संवेदनशील होती है, जिससे वे काफी दूरी पर रहे शिकार को भी सरलता से देख पाते हैं और दौड़ करके उनका शिकार कर पाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ऐसे ही एक जंतु की बात करें जिसका नाम है लायन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाले ऐप के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट के वर्षावनों में यह पाए जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है इनकी चांदी जैसी सफेद अयाल यानी दाढ़ी, जो सर के चारों ओर गालों को चिबुक यानी थोड़ी तक आई हुई होती है। विद्यार्थी मित्रों, यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ भी जाते हैं और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर रह करके ही व्यतीत करते हैं। यह मुख्यतः फल खाते हैं। वे बीज, कोमल पत्तियों, तनों, पुष्प तथा पुष्प की कलियों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। वृक्ष की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहते हैं। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः यह यदा कदा ही जमीन पर देखने को मिलते हैं। यह अपना अधिकांश जीवन वृक्ष की शाखाओं पर व्यतीत करते हैं। अब एक और जंतु की चर्चा करें जिसके विषय में हम सब अच्छे से जानते हैं, हाथी। हाथी अनेक प्रकार के वर्षावनों की परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं और प्रत्येक इशारों में अलग अलग परिस्थिति में पाए जाते हैं। इनकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। साथ ही इसकी सहायता से यह सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी करते हैं। इनके बाह्य दंत, जिन्हें हम रथ के नाम से भी जानते हैं, वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। आपने कहावत भी तो सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है और उसे बाद में खा भी सकता है। इसका इस्तेमाल ये वजन उठा करके ढोने के लिए भी करता है। भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं इन दांतों की सहायता से। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, हाथी के लंबे बड़े कान होते हैं जो कि हल्की सी ध्वनि को भी सुन सकते हैं और अपनी सहायता के लिए भाग सकते हैं। आपने देखा होगा कि भूकंप की आहट को हाथी सरलता से सुन सकते हैं और वे अपने आप का बचाव कर सकते हैं। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, हम एक बात और बता सकते हैं कि वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथियों को ठंडा रखने में उनके कान काफी मदद करते हैं। वे बड़े कानों को एक पंख की तरह उपयोग में लेते हैं और अपने आप की त्वचा को ठंडा बनाए रखते हैं। वर्तमान समय में विद्यार्थी मित्रों, ऐसे ही कुछ जंतुओं का शिकार बढ़ रहा है। इनका मूल्यवान अंगों के लिए शिकार किया जाता है। हाथी का उनके दांतों के लिए शिकार किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हमें ऐसी शिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कदम बढ़ाने होंगे, लोगों को इसके विषय में जानकारी देनी होगी। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने उष्णकटिबंधीय विस्तार में पाए जाने वाले कुछ जंतु जैसे कि बंदर, मेंढक, हाथी और ऐप के विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ कि यह वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त करने में काफी मदद मिली होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बाजू में लगे बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।